सो गाइस शायरी माने वाला हूँ एक आज और अब टॉप के समय एउटा शायरी आन्दिन नेपाली ल्याङ्ग्वेजले। मासु मिठो मसलाले चाना मिठो घिउले आज मैले नजान्दाखेरि दुख पायो मेरो जिउले। यहाँ पर गाइस आलुको रेसिपी और दही का साथ में खा रहा है हिरोनी। ए हिरोनी कैसे लाग्यो? राम छ? आ मिठो छ। मिठो छ नि? मिठो छ। दामी अनि एता मोटी खाने छस? कस्तो टेस्टी भयो? आज म कुकमेन बसेको। अन्जुलाई कस्तो लाग्यो? दामी। सो गाइस गुड मर्निङ सबैको, वेलकम टू बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बढ़िया होंगे। होगा गाइस। तो गाइस आज तो बहुत काम है भाई साहब। काम तो सो के उठने से तो वही अपना होता ही है काम। क्या करना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, क्या करना है नहीं करना है, वही खेती किसान का जिंदगी वही। तो देखते हैं आज भी बढ़िया होगा, शायद धमाकेदार ब्लॉक होगा गाइस। आप लोग बने रहे। तो मेरा सोलर को थोड़ा यहाँ पर मैंने रख दिया, थोड़ा बाद में यहाँ पर निकलना पड़ेगा क्योंकि धूप नहीं मिलता ना। जो ये घास का जो पेड़ का छाया से यहाँ हमें रोशनी नहीं मिलता गाइस, इसलिए थोड़ा साइड करना पड़ेगा इस तरफ। तो वहाँ पर पहुँच चुका है आज सूर्यदेव। अभी जाना है सरसों बारी क्योंकि आंगन बनाया था, वहाँ पर जाना है। ये तिरपुर ले जाना और अंजू का दोस्त लोग आया है तो वहाँ पर उन लोग उठाते रहेगा, हम दूध पहुँचाने जाना पड़ेगा पम्पम भाई का वहाँ। तो जाते ही गाइस पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। उस दिन बनाया था एक भाई ने मुझे बोला था यहाँ पर घर बनाएगा क्या भाई बोल रहा, लेकिन वहाँ पर है मेरा घर बनाने के लिए। तो अभी बाकी है ये सरसों उठा के जमा करना पहले। तो यहाँ पर जाप होगा और वहाँ पर बुक रहे और वहाँ पर भी है गाइस। पूरा सारा का सारा आज पूरा सरसों सब ख़त्म करना है। यहाँ पर बुक रहे इन लोग सारा का सारा उठाना भाई साहब, बहुत काम है ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा के और फिर दूध पहुँचा के फिर आना है, मुझे बहुत काम है करना है आज। यहाँ पर जमा करना है अभी, वहाँ से बुक के आ रहे। सो गाइस अभी सुबह सुबह की समय पर अभी खाना बैठा दिया गाइस दिन का लंच का लिए, क्योंकि आज पूरा सरसों बो के ख़त्म करना पड़ेगा, सरसों का पूरा चाप लगाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अभी बारिश का समय भी हो रहा है, अभी घर भी बनाना है, बहुत परेशानी मेरा और सर्दी ला के मेरा कभी कभी नाक भी क्या क्या होता है आवाज़ निकलती रहती है। तो देखते बनी रहे गाइस क्या क्या काम होगा आज, कितना का है, बहुत कुछ है काम। ये आलू को काटना पड़ेगा क्योंकि दिन का लंच का लिए सब्जी। ये सफा कर रहा है रोहित ना? हाँ। बढ़िया से सफा कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि सब काम सिखलाई करना पड़ेगा, हर कुछ काम सिखलाई करना पड़ता है क्योंकि हम लोग गरीब दुखी आदमी ऐसे है ना, अपना खुद से भी करके खाना पड़ेगा। गरीब दुखिया सिर्फ नहीं आदमी में से तो जो भी हो, पढ़ाई भी करना है, इस तरह अपना काम भी घर का भी करना पड़ता है और अपना से कभी भी करके खाने से तो अच्छा है, छोटा से करने से और जल्दी अपना स्मार्ट हो जाएगा ना, बाद में बड़ा होने से और किस प्रकार से काम करना है वो सब अपना से जान लेगा। हर काम में फोकस रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ। सब रेडी हो चुका है, आलू काट के भी धुलाई उलाई करके भी और यहाँ पर तेल पैसा ये देखिए प्याज और चिल्ली और यहाँ पर धनिया एकदम गजब की एकदम ऑर्गेनिक और लोकल ऑर्गेनिक आलू डालना पड़ेगा अभी पकौन पर सही गाइस खेतला लाई उपाय छे ना। दामी खालको बनाउने डर भुकी बनेछ गाइस, अनि टक्कैसँगले महीसँग दिनुपर्छ, लगाइलिनु पऱ्यो पहिला। पूरा यहाँ पर हल्दी मसला डाल दिया गाइस देखिए और इसको पार्टी करना पड़ेगा भाई साहब। तो पहले नमक लगाने से हल्दी नहीं लगता है, इसलिए कुक काम करना पड़ो नी, कुकमैन बनना पड़ो आज दिन को लंच को लगी काम करने वाले खिलाने पड़ो ना गाइस। एक कराही डैमई बनाई देखो गाइस, छजना सातजना आठजना खानु पर्छ, आठ आदमी खाना है गाइस इसको। पूरा बढ़िया तरीका से चलाना आराम से, पूछो मत गाइस आलू का रेसिपी बनाने का तरीका है अलग।
बहुत टेस्टी होगा गाइस। ये ऑर्गेनिक आलू है, नेचुरल अपना लगाया वाला। तो ढक देंगे, तो ढकने के बाद में थोड़ा बाद में ढक्कन निकाल कर नमक डालना है। अच्छी पूरा आलू को रेसिपी बनी सके, आलू का रेसिपी हो चुका है गाइस, देखिए। वाओ, और यहाँ पर धनिया ऐसा लगाना है गाइस, ऐसा खाने में मज़ा आता है गाइस। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज़ खाने के ही मज़ा अलग गाइस। ये देखिए मैंने धनिया डाल दिया, अभी बढ़िया से इसको चला देंगे बस। तो नमा देंगे तो फिर उन लोग को बुलाने जाना है। वाओ गाइस, क्या गजब की रेसिपी आलू की, आलू को रेसिपी है गाइस। के गर्नु, अब घरकोहरू त काम गर्दैछ, आफू दुध पुऱ्याइयो आइयो, सब्जी बनाइयो, अब भात छँदैछ पाकेको, चावल हो चुका है। अभी मही नहीं तो दही का साथ में देना पड़ेगा खाना। चलो गाइस, का क्या मज़ेदार सा खुशबू आ रहा है गाइस। अभी नमा देंगे इसको, हो गया, अभी पक चुका है, रेसिपी हो चुका है। और यहाँ पर दूध पक रहा है, गर्म हो रहा है, और रोहित यहाँ खा रहा है चिवड़ा का साथ में ना, एकदम यम्मी यम्मी है ना। तुम दूध पकाओ, देखो आराम से, और देखो अच्छा से आग लगाना है, होशियारी से काम करना क्योंकि हाथ पैर जलेगा है। और मैं मम्मी लोग को चाय पानी दे के आता हूँ गाइस, यहाँ पर है वो चिवड़ा और ये दूध और दूध चाय, और ये है ब्रेकफास्ट सुबह की। चलो गाइस जाते हैं। यहाँ पर सरसों बोक रहा है और यहाँ पर पूरा चाय एकदम खा रहा है, ब्रेकफास्ट चिवड़ा जो खादा है अन्नसँगले आज काम गर्नुपर्छ, म चाहिँ दुध पुऱ्याएर आउँछु। अनि यता चाहिँ म्युजिक लगाइँदैछ, जम्मा गरिँदैछ गाइस। यताको चाहिँ मेरो तोरी हो, यताको चाहिँ पल्ल भरेको हो। फाइनली पहुँच चुका हूँ पम्पम भाइ कि रिजर्ट पर, और दुध देने के लिए आया हूँ गाइस। ये देखिए ये रखिए ना, और भाई तो उधर गया बोला है ना, घर गया होगा ना, ठीक है ना। तो गाइस बहुत काम है आज, ज़रूर एकदम जल्दी जल्दी सरसों भी उठाना है, क्योंकि अभी बारिश का समय भी आ रहा है ना, तो तूफान भी आ सकता है, कभी कभी बारिश भी गिर सकता है, इसलिए स्नोफॉल गिरने से और बर्बाद हो जाएगा ना। तो ठीक है भाई, जा रहा हूँ चुका हूँ घर पर, दूध दे के भी पम्पम भाई को रिजर्ट पर जाके, अभी फटाफट सब्जी बनाना है, और अभी 12 बजे टाइम भी हो चुका है, अभी खाना देने टाइम हो गया लंच देने के लिए, तो सरसों उठाने वाले को कल हो चुका है, अभी खाना रेडी हो चुका है दिन का लंच, और यहाँ पर पूरा आलू का रेसिपी, और वहाँ पर पूरा बहुत खाना है। अभी सभी हाथ धुलाई कर रहा है, क्योंकि अभी हाथ सफे करके एकदम पानी से धुला के एकदम खाना ठोस ठोस से खाएगा। और रोहित का मैं पूरा ये निकाला दही ना, दही से खाने गाइस, आलू भुटेर चट्टे चटनी। खाना खाने के लिए सभी बैठ रहे हाथ धुलाई करके, अभी दिन का लंच। यहाँ पर गाइस आलू का रेसिपी और दही का साथ में खा रहा है हीरोनी। ए हीरोनी कैसा लाग्यो, राम छ? मिठो छ नि, मिठो छ है दामी। अनि यता मोटी खाँदैछस्, कस्तो टेस्टी भयो? आज म कुकमेन बसेको, अन्जुलाई कस्तो लाग्यो? दामी, यहाँ पनि छ है मै, अब आएर खाने। अनि कस्तो छ त अनि, आज म कुकमेन, तिमीहरू खाऊ है, सबैलाई मिठो लाग्यो नि? यस गर, हेलो गाइस गुरु, हिजो कुखुराको रेसिपी खाने इने छ है। रोहित एकदम यम्मी, पुरा फिनिश कर देंगे आज बाबु छोराले बनाएको है आज आलुको रेसिपी, दिनको डिनर और लन्च, सरी यार खाना पड़ेगा दिन का लंच, क्या करे, घर भी अंदर लाइट देना पड़ता है। ये पूरा दही का साथ में खा रहा गाइस, ये आलू का रेसिपी और दिन का लंच। दामी वैसे मजा लगा गाइस, खाई लेने वो खाना। तो अभी बहुत टाइम से लग रहा है, और ये देखिए गाइस, ये देखिए पूरा ऊंचा कर दिया सरसों की, जो ये ना जो सरसों जमा कर दिया हम लोग इकट्ठा कर लिया, और ये सीढ़ी से उठना पड़ेगा इस, ये देखिए पूरा आगे से लगते लगते आयरन हो चुका है हम,
क्या करें गाइस, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। हाँ ज़्यादा तो नहीं, ये तो दूसरा का है और इतना ही मेरा बस। और लेके आ रहा है वहाँ पर थोड़ा सा है, अभी बोक रहा है। देखिए यहाँ पर अभी पूरा फिनिश हो गया ना, खत्म हुआ हाँ फिनिश। ओ भाई साहब, चार चार आदमी बोक रहा है, पांच पांच आदमी। देखिए ये देखिए गाइस, फाइनली अभी हो चुका है हम लोग रात का डिनर, पक चुका है। उठा दो अंजू, ये देखिए गाइस, ये देखिए। और हम लोग फिशिंग पर जाके आएगा ना रोहित, माछी मिलने से क्या करेगा? निश कर देंगे। निश और निश कर देगा ना, खाएगा। चलो बैठो तुम लोग, हैं और मम्मी हम जाएगा दोनों फिशिंग पर। गाइस बने रहे आप सभी, कितना माछी मिलता है तो बड़ा जाल भी लगाएंगे, वो तो कल का ब्लॉग में देखने मिलेगा। नदी पर मिलेंगे गाइस, चाहते हैं कितना माछी मिलेगा, खाना पड़ेगा बढ़िया से। और यहाँ पर भाई, यहाँ पर मैं फिशिंग करेंगे गाइस। ये भाई सब टूटा टूटा फूटा है, देखिए वाओ पानी बह रहा है ना। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कितना माछी मिलता है बने रहे गाइस। और सीन साफ भी उठा के ले जाना। मैंने जाल मारा है, देखिए गाइस एक फंस गया है, ये जिंदा जिंदा, वाओ एक। और यहाँ पर एक टेंगर मास, टेंगरे मास है गाइस, अनि अपनी वाओ, इसको भी डालना पड़ेगा, मुना पर डालेंगे गाइस। और इसको तो निकालने बहुत तकलीफ होता है। और देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वाओ पापदा माछा भन्छ है गाइस, हम लोग पापदा माछा बोलता है इसको। ओ भाई साहब अभी नया माछा निकल रहा है, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पर भी है, मैं दिखाऊँगा। हाँ इसको ले लेना पड़ेगा, इस मुना पर ढालना है, मुना पर बढ़िया से ढुकुरी। और कहाँ में था, ओ चिंगड़ी, ये चिंगड़ी माछा। ओ अरे कहाँ जा रहा है रे भाई, ये देखिए यहाँ का चिंगड़ी माछा, ये देखिए गाइस, ये देखिए। चलो इसको भी, अरे कहाँ ही को झाप मार रहा है रे। चलो क्योंकि बार बार मैं अकेला नहीं दिखा सकता हूँ ना गाइस, इसलिए अभी मैं बाद में दिखाऊंगा कितना माछा मिला है, बने रहे गाइस। अभी फाइनली अभी उठाने का शुरुआत हो चुका है। ये लाइट दिखी, ये लाइट भाई का लाइट दिखाओ तो। और भाई बम्बई से दिया वाला, देखो पावर, वाओ गाइस सिमसा गए, सिमसा गाइस उठा लेते हैं, पूरा बढ़िया है हरी भरी। ये देखिए रात का लिए, अभी घर में जाके मैं दिखाऊंगा गाइस। और माछी भी नेट भी फेंक रहा हूँ, और ये सिमसा भी उठा रहा ना, वाटर मशरूम साग गाइस। यहाँ पर जाल है और मम्मी जी वहाँ पूरा खतरनाक दे रहा है, बम्बई से दिया वाला भाई ना, लाइक ठीक छ नहीं। और सिमसाक आप पकड़े, चलो उठा लेते गाइस, घर में मैं दिखाऊंगा कितना ले जाऊंगा और मछली कितना मिला सब दिखाऊंगी। चलो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुका हूँ, और कितना मछली मिला मैं दिखाऊंगा बोला था ना। देखिए गाइस देखिए, वाओ इतना ज़्यादा मछली, एक थाली मिला गाइस, एक थाली, एक थाली। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए पूरा एकदम बढ़िया बढ़िया से बना के खाएंगे गाइस। और यहाँ पर मैंने सीम साग लिया गाइस, देखिए सीम साग, सीम साग, ये देखिए सीम साग गाइस, देखिए दामी दामी दामी, वाओ देखिए। और कि नहीं वाटर मशरूम साग, दिस इज ए वाटर मशरूम साग, दिस इज ए फिश, वाओ कैचिंग द रैली को गाइस, माय कैचिंग विथ नेट। और बढ़िया से अब बनाएर खाने गाइस, लो टक्कै सुनेर है हेर्नु न माछा चाहिँ हेर्नु, बाप रे बाप, आज त दामी हुनु पऱ्यो है मम्मी नि, मजाले खाने नि, ओके चलो गाइस बना लेंगे। तो सिम साग भी बनाएंगे, वाटर मशरूम साग और देसी सेज फिश भी बनाएंगे, तो बढ़िया से कुकिंग एंड ईटिंग करेंगे। चलो गाइस
रेडी हो चुका है। ये सिम साग, वाटर मशरूम साग और ये फिश माछा गाइस। अभी राय साग को मुंटा अनि मटर सब्जी, अनि मम्मी खाँदै छ माछा को सब्जी, मटर सब्जी अनि यो रायो पत्ता। म चाहिँ मात्रै सिम साग खाँदै छु नि। कस्तो टेस्टी भयो? मिठो छ नि, दामी दामी। अन्जुरा रोहित खाएर सुत्यो है। अब पानी टक्कै खाइदिने, अलिकति एकदम गलत भिजानुपर्छ क्या गाइस। गलत भिजाना चाहिँ तो खाना खाने से मजा आता है गाइस। चलो स्टार्ट करते गाइस, स्टार्ट। ये सिम साग, ओ भाई साहब, ये मेरा फेवरेट। यस गाइस, ये माछी, दिस इज ए फिश। यस गाइस, यो राय साग है गाइस, टक्केसँगले हो। लै चेस है गाइस, सेरी मार्ने वाला हुँ मैं नेपाली ल्याङ्ग्वेज से। लै टक्केसँगले एउटा सेरी हान्दिने। मासु मिठो मसलाले, चाना मिठो घिउले, आज मैले नजान्दाखेरि दुःख पायो मेरो जिउले, डाँडा काँडा सुकेर गयो हरियो वन, मायालुलाई सम्झिँदा रुन्छ मेरो मन। ल गाइस, तो गाइस और रात का डिनर भी काफ़ी मज़ेदार से हो चुका है। और रोहित अंजू दो खा के भी सो गया, और हम लोग रोहित का मम्मी मछली लेके फिशिंग करके हम लोग लेके मछली लेके बढ़िया से खाया, और शोर से भी उठा लिया, और थोड़ा सा उठाना है और उठा के ख़त्म हो चुका है गाइस। तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा रहा है, यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो को अच्छा लगा, तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।